हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रो हेल्प करेगा में। आज हम देखेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप लैपटॉप से आए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है और आपको सर्च करना है वोटर आईडी अप्लाई, उसके बाद एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको जो सेकंड लिंक दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है voters.eci.government.in, इसको ओपन कर लेना। अगर आप मोबाइल से हैं तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद टाइप करना है वोटर आईडी कार्ड अप्लाई, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। और आपको यहाँ पर जो थर्ड लिंक दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है वोटर आईडी डॉट ई सी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो है थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट इनेबल कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में इनेबल है, आप में नहीं होगा, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा वो फॉलो करना है। ओके, हमें सिंपली फर्स्ट वाले को क्लिक करना है और यहाँ पर आप अगर पहले से आईडी बना चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है और कैप्चा को फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल सेव कर लेनी है, जैसे कि आप कहाँ से हैं, स्टेट बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फिल कर दीजिए, या फिर आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सरनेम वगैरह लिख देना है, और आप इसको हिंदी में और उर्दू में चेक भी कर सकते हैं। अगर वो सही है तो उस पर ठीक टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कीबोर्ड का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर विड्थ। ओके, एंड इट शुड बी, ये जो है 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी फोटो आप अपने मोबाइल से खींच के उसको अपलोड कर सकते हैं जैसा अगर आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये एक थोड़ा सा टाइम लेता है तो वेट करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब आप अपने वोटर कार्ड में किसका नाम दिखाना चाहते हैं, अपने फादर का, मदर का, हस्बैंड का और वाइफ का, या फिर किसी लीगल गार्डियन का। ठीक है, उनका पहले फर्स्ट नेम, मिडल नेम, उसके बाद आएगा सर नेम, और आप उसको हिंदी और उर्दू में भी ज़रूर चेक करें। आपको अपना नंबर और ईमेल आईडी को चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी आधार की डिटेल डालनी है, आधार नंबर। ठीक है, अगर आपने सही आधार डाला होगा तो वैलिड होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक सेल्फ अटेस्टेड जो है क्या बोलते हैं आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो निकलवाएंगे, उसमें अपना साइन करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और एज अ डॉक्यूमेंट आप उसको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा हो गया। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, और उसी तरीके से आपने जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड को एज अ प्रूफ बनाया है, आप एड्रेस के लिए भी बना सकते हैं, और वही एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा। ठीक है, और एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, अपना जो है बैंक अकाउंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, बट आपको जो सेफ और बेटर लगे उसको चूज़ करें। उसके बाद आप थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और जैसे ही वो वेरीफाई कर लेता है कि सही फॉर्मेट में हमने अपलोड किया है तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसको चूज़ कर लें, अगर कोई नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको कोई भी अटैचमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर का डिटेल्स डाल सकते हैं, रिलेशन डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना है तो ये वैसे भी कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना डिक्लेरेशन देना होगा, यहाँ पर अपना टाउन विलेज डालना है, फिर इसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फिर डिस्ट्रिक्ट,
फिर उसके बाद आप जो भी आपने एड्रेस बताया है वहाँ पर आप कब से रह रहे हैं वो डाल देना है। उसके बाद आपको अपना प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे उससे पहले प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। डेट बताएंगे कि आप कितने महीने से या साल से इस एड्रेस पे रह रहे हैं, तो जो भी आपका सही हो वही डालें। अगर आपके पास इससे पहले कोई भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ये जो फिफ्थ फोर्थ वाला कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ दें। फिफ्थ वाले में आपको प्लेस डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका करंट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लेस डाल दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, और अब कैप्चा फिल करने से पहले एक बार उसको रिफ्रेश ज़रूर कर लें, क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि मैंने सबमिट किया तो वो कैप्चा इनवैलिड बता रहा था। फिर मैंने दोबारा से कैप्चा फिल किया और रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक किया। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कीप एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपकी डॉक्यूमेंट में या फिर डिटेल में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप एडिट पे क्लिक करें, अदरवाइज सबमिट पे क्लिक कर दें। और ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिख रहा है उसको सेव कर लें। इन फ्यूचर आपको कभी भी पता लगाना है कि आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कितना हुआ है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए एक्नॉलेजमेंट और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो है वोटर आईडी अप्लाई हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं अलविदा लूँगा।